हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल प्रिया ब्यूटी पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम रिका वैक्स ग्रीन एप्पल के बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। रिका वैक्स बहुत ही आजकल डिमांड में है, जो ब्राइडल का परफेक्ट वैक्स होता है और ऐसे भी सभी लोग करा सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली आता है इसलिए सभी लोग नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पट्टी का यूज़ किया, थोड़ा सा वैक्स लगा हुआ क्योंकि मैं कर रही थी, तो मुझे अचानक मेरे माइंड में आया चलिए आप लोग को दिखाते हैं वीडियो, तो इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, रिका वैक्स टैन को रिमूव करता है, ग्रोथ को थोड़ा सा लेट में आने देता है, टैन को भी अच्छे से रिमूव करता है काफ़ी अच्छा। और जितना क्वांटिटी आपको चाहिए उतना मैं वैक्स हीटर में निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोरोना है, उस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए होता है ग्रीन एप्पल, और आप फेस पर अगर आप करते हो तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करना पड़ता है। रिका वैक्स बहुत थिक होता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत हर इंसान रिका वैक्स नहीं कर सकता, जो प्रोफेशनल है उन्हीं को ही करना चाहिए। कभी आप ज़्यादा करके घर पे ना यूज़ करें अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, और एक ही जगह पे रिका वैक्स को कई बार यूज़ नहीं किया जाता। अगर आप थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो स्किन भी निकल आती है, जहाँ कहीं भी पार्ट का आप कर रहे हो वैक्स रिका वैक्स से, तो ये भी दिक्कतें होती हैं। लेकिन हाँ, नंबर वन का है, अच्छा होता है। और ये मैंने ग्रीन एप्पल इसलिए लिया क्योंकि सभी स्किन टाइप्स पे जाता है, और फ्लेवर के लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने रिका वैक्स लिया, पाउडर लिया और स्ट्रिप लिया, स्पूचला लिया। स्पूचला मैंने यूज़ एंड थ्रो लिया, देख सकते हैं आप। आप चाहें तो आइसक्रीम की जो आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये लिया है। और आप फिर उसके बाद हमने वैक्स को अच्छे से हैंड पे अप्लाई किया, थोड़े थोड़े पार्ट्स पे करेंगे। जैसे कि नॉर्मल वैक्स पे आप करते हो पूरे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लेते हैं, उसके बाद रिमूव करते हैं वैक्स, पट्टी लगा के निकालते हैं, लेकिन इसमें थोड़े थोड़े पार्ट को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितना अंतर हुआ, टैन रिमूव हो गया और इसमें अभी हमने नहीं किया, उसका अंतर आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम करेंगे, थोड़े थोड़े पार्ट्स पे करेंगे। मैंने एक साइड निकाल दिया है, और बहुत लोग अगर हेयर है भी नहीं तो भी वैक्स कराते, जिससे कि टैन भी अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हेयर ज़्यादा नहीं है, तो बस टैन रिमूव करने के लिए इन्होंने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर मैंने हीटर जितना ज़रूरत है उतना ही निकाला है। और वीडियो गाइज मैंने फास्ट कर दिया है, और अगर अभी तक मैंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइज लाइक कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री है, तो कंजूसी मत किया करिए। और हो सकेगा तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग सपोर्ट करें, जिससे मैं स्टैंड लूँ तो वीडियो बनाने में आराम हो जाए। काम तो बहुत करते हैं, लेकिन यही रहता है ना कि किसी को कोई देखना पड़ता, कोई मिल जाए तो फ़ोन पकड़ाएं, तो फिर वीडियो बनाते हैं, बस यही प्रॉब्लम हो जाती है। कि स्टैंड है तो कहीं भी आप लगा दो और काम करते रहो, वीडियो बनती रहती है, इस वजह से थोड़ा सा मेरी वीडियो कम आती है। यहाँ पे देख सकते हो, दूसरे हैंड को मैंने थोड़े देर बाद में लगाया है पट्टी को, जिस डायरेक्शन पर हेयर है, ज़्यादा तो है नहीं लेकिन जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम वैक्स पट्टी निकालेंगे, लगाएंगे। और यहाँ मैंने वीडियो फास्ट कर दिया क्योंकि आप लोग बोर ना हो। तो रिका वैक्स आप घर पे कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। और यहाँ पे पानी का यूज़ हम लोग नहीं करते, आप चाहे तो इसका आता है लोशन, उसका यूज़ करके हाथ को रिमूव करिए, या तो कोई ऑयल ले लीजिए उससे यूज़ करिए। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस साइड लगाया। और अगर अभी तक मैंने चैनल को नहीं लाइक किया, अभी तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप ब्लॉग को पसंद है तो आप ब्लॉग के बारे में बताइएगा। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पैर पर लगाया है और अच्छे से निकाल देंगे। पावर के पंजों में इन्होंने लगवाया है, हल्के हल्के पावर के पंजों में हम लगाएँगे, उसके बाद वैक्स पट्टी लगा कर निकाल देंगे। गाइज आप ब्लॉग देखना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया रावत 585, प्रिया रावत 585, जिसपे मैं अब हो सकेगा 10 बजे लाइव आऊँगी, तो आप अपने क्वेश्चन बता सकते हैं, पूछ सकते हो। अगर उस पर मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड रिलेटिव को वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।